नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल तिवारी अपना अखिल टेक चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं टॉप 5 अपकमिंग स्मार्टफोन 5G मोबाइल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा जो मोबाइल आता है OnePlus 8। पहले इसकी हम डिज़ाइन की बात करते हैं, तो इसका डिज़ाइन देखेंगे तो कर्व ग्लास है और आगे पंच होल कैमरा है। चलिए अब इसकी बात करते हैं स्क्रीन साइज़ की, जो 6.5 mAh है और इसके अंदर प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 865 2.84 GHz पे काम करता है। जो इसका रैम है वो 8GB और 128GB इंटरनल की बात होती है। तो अब इसकी बात करते हैं कैमरा की। जो इसकी कैमरा है वो ट्रिपल कैमरा है। इसके अंदर तीन कैमरे आते हैं। जो पहला कैमरा है वो 48 MP है, दूसरा 16 MP है, तीसरा 2 MP है, जो आपको अच्छी पिक्चर क्वालिटी देगी। अब हम इसकी बात करेंगे बैटरी की। जो बैटरी है वो 4500 mAh है, जो आपको लॉन्ग लास्टिंग देगी। जो हैवी यूज़र है उनके लिए भी यह बैटरी सही पड़ेगी। अब इसकी हम बात करते हैं प्राइस की। तो ये दोस्तों 45,000 और 50,000 के बीच में लॉन्च होगा। तो दूसरी हमारी मोबाइल है सैमसंग की A7। ये भी एक 5G मोबाइल है जो 2020 में लॉन्च होने वाली है। इसके आप जैसे मोबाइल कवर पर देखते होंगे क्वाड कैमरा शो किया गया है, ये इसी साल लॉन्च होगी। तो चलिए अब इसके हम देखते हैं कैमरा को। तो इसकी कैमरे की हम बात करते हैं, तो जो इसका कैमरा है वो 64 MP मेन कैमरा है और जो दूसरा कैमरा है वो 12 MP है और दो कैमरे जो इसके हैं वो 5-5 MP के हैं, जो आपको अच्छी पिक्चर क्वालिटी देंगे। जो इसकी बॉडी है बहुत स्लिम है। अब इसकी हम बात करते हैं प्रोसेसर की। जो इसका प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन 730 2.2 GHz पे काम करता है, जो आपको गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छा देगा। अब इसकी हम बात करेंगे बैटरी की। जो बैटरी है 4500 mAh है, ये फास्ट चार्जिंग मोबाइल सपोर्ट करता है, जिससे आपको आराम से अच्छे अच्छे गेम खेल सकते हैं। तो चलिए अगली मोबाइल की बात। हमारी अगली मोबाइल Vivo Z6 है, जो इसी साल लॉन्च होने वाली है। यह भी एक 5G मोबाइल है। तो चलिए दोस्तों अब इसकी हम कैमरे की बात करते हैं। जो कैमरा है उसका 48 MP है और जो दूसरा कैमरा है वो 8 MP, तीसरा 2 MP, चौथा 2 MP और जो इसका फ्रंट कैमरा है वो 16 MP का है, जो आपको अच्छी सेल्फी लेने में मदद करेगा। दोस्तों, इसकी बैटरी लॉन्ग लास्टिंग है। जैसे इसकी बैटरी का साइज है 5000 mAh और ये 44 W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। और डिस्प्ले की बात करें तो जो 6.7 इंच का डिस्प्ले आता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रैम एंड स्टोरेज। जो इसकी रैम जो वेरियंट आएगा वो 6GB 120GB इंटरनल मेमोरी के साथ आएगा। दोस्तों, ये एक स्मार्ट मोबाइल है और 5G मोबाइल है। तो चलिए इसकी हम प्राइस को ध्यान देखते हुए, इसका जो प्राइस लॉन्चिंग डेट है वो 23,000 से लेकर 25,000 के बीच में होगा। दोस्तों, ये हमारी एक्सपेक्टेड प्राइस रहते हैं, तो ये आगे पीछे हो सकते हैं। तो जो हमारा अगला मोबाइल है वो K30 Pro है, जो एक रेडमी का मोबाइल है। इसके अंदर भी दोस्तों क्वाड कैमरा लगा हुआ है। जो पहला कैमरा है वो 64 MP का, दूसरा 5 MP का, तीसरा 13 और चौथा 2 MP का है और इसके हम फ्रंट कैमरे की बात करेंगे तो वो 20 MP का है। तो दोस्तों, ये हमारा जो मोबाइल का जो रिसर्च होता है वो हम सारा गूगल से लेते हैं। तो चलिए, इसकी रैम स्टोरेज आपको मैं बता चुका, अब हम बताते हैं इसकी बैटरी की। जो बैटरी की साइज़ है दोस्तों इसकी 4500 mAh है, जो आपको लॉन्ग लास्टिंग बैकअप देगी। दोस्तों, जो इसका प्राइस है वो 30,000 से लेकर 35,000 के बीच में होगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में इमेज आएगी और उसका सारा स्पेसिफिकेशन मैंने शो कर दिया है। जो अगला मोबाइल है वो MI का ही 10 Pro है। ये सबसे बेस्ट कैमरा मोबाइल कह सकते हैं, क्योंकि जो इसका कैमरा है वो 108 MP, 13 MP, 2 MP, 2 MP। दोस्तों, ये भी 44 W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। जो इसका लुकिंग है वो दूसरों मोबाइल से अलग है, ये मेरे ख्याल से जो देखने में सबसे अच्छी मोबाइल लगेगी। अब इसकी हम बात करते हैं फ्रंट कैमरे की। जो फ्रंट कैमरा है वो 20 MP का है और इसकी जो बॉडी है बहुत स्लिम है। और इसकी हम बैटरी की बात करें तो बैटरी दोस्तों इसकी 4750 mAh है, ये भी लॉन्ग लास्टिंग देगी, ये फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करती है। दोस्तों, जो इसका डिस्प्ले है वो 6.67 इंच का है, जो आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। अब इसकी हम प्राइस की बात करेंगे दोस्तों, ये 40,000 से लेकर 42,000 के बीच में आएगी मोबाइल। दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।